तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि दाना नाम का एक चक्रवाती तूफान, दाना सऊदी अरब ने नाम दिया है, अर्थ इसका होता है उदारता, लेकिन यह जो दाना है यह बिल्कुल उदार नहीं है। किसी भी वक्त यह ओडिशा के तटीय इलाकों से, बंगाल के तटीय इलाकों से टकराएगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसका लैंडफॉल है। एनडीआरएफ और कोस्टल गार्ड को अलर्ट रख दिया गया है, और तो और रायपुर में दिखने लगा इसका असर। समंदर में लहरें उठ रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश का दौर चल पड़ा है, और आज की रात पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए बहुत भारी है, क्योंकि तूफान दाना किसी भी वक्त दस्तक दे सकता है, जो बहुत तेजी से इन दोनों राज्यों की तरफ बढ़ रहा है। अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान दाना तेजी से बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान आज रात किसी भी वक्त ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के सागर टापू के बीच टकरा सकता है, जिसकी वजह से इन दोनों राज्यों में भारी दहशत बनी हुई है। तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा दाना तबाही मचाने के लिए तैयार दिख रहा है। अंदेशा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान का लैंडफॉल होगा। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। तूफान के असर से कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, पुरुलिया और बांकुरा जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, तो वहीं ओडिशा पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आईएमडी ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा, कटक, नयागढ़, कंधमाल और गजपति जिलों में अलग अलग जगहों पर तूफान और बिजली गिरने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ, कोस्टल गार्ड और राहत बचाव की दूसरी टीमें मुस्तैद हैं। दो सौ 80 से भी ज्यादा राहत बचाव टीम काम कर रही है। जगह जगह कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पुरी के मंदिर में श्रद्धालुओं को जाने से मना किया गया है, तो वहीं कोणार्क मंदिर भी बंद रखा गया है। रेलवे ने ओडिशा से गुजरने वाली 198 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। ओडिशा में पुरी के तटों से मछुआरों को हटाया गया है। ओडिशा की सरकार ने कई शहरों में समंदर के किनारे न जाने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने मछुआरों को अगले 2 से 3 दिनों तक समंदर से दूर रहने की सलाह दी है। बाकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है। 6,000 राहत शिविर बनाए गए हैं। रेलवे ने बयान जारी कर कहा है कि पश्चिम बंगाल में सियालदा स्टेशन से रात 8 बजे के बाद किसी भी लोकल ट्रेन की आवाजाही पर रोक रहेगी। वहीं पश्चिम बंगाल में 23 से 26 अक्टूबर तक सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान दाना ओडिशा में कहर बरपा सकता है, इसीलिए यहां पहले से ही सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। एनडीआरएफ और ओडिशा की रैपिड एक्शन फोर्स ODRAF को तैनात किया गया है। इसके अलावा वहां कई राहत शिविर भी तैयार किए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को वहां शिफ्ट किया जा सके। अभी तक 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तूफान के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। लैंडफॉल के बाद ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और सीधे आपको रायपुर लिए चलेंगे। छत्तीसगढ़ के दरअसल 7 से 8 जिलों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। बारिश यहां पर हो सकती है, दाना का ये इफेक्ट है। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, काले काले बादल, 6 से 7 जिलों के लिए अलर्ट, क्या कुछ कह रहा मौसम विभाग? जी बिल्कुल, बंगाल की खाड़ी से निकलने वाला जो दाना चक्रवात का असर है, जो उड़ीसा, पुरी के अलावा कई इलाकों में देखने को मिल रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 24 से 27 अक्टूबर तक के अलर्ट जारी किया है। वहीं कहा है एक्सपर्ट ने कि यहां पर कई जगहों पर बारिश हो सकती है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान की आने की भी संभावनाएं जताई गई है। वहीं अलर्ट जारी किया है क्योंकि धान का भी, धान के उठाव का मौसम है, धान की कटाई का मौसम है, ऐसे में किस तरीके से नुकसान ना हो करके किसानों के लिए भी अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। जी
बिल्कुल, और जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, अलर्ट की स्थितियां बन रही हैं, मौसम विभाग ने जिस तरह से जानकारी दी और वो नज़र भी आने लगा, बादलों पर भी नज़र आने लगा। एक और बड़ी बात भी है, कई ट्रेन हैं जो बिलासपुर रेल मंडल से होकर गुजरती हैं, उन पर भी इसका सीधा असर है। रायपुर बिलासपुर के मुसाफिरों को भी इसका असर भुगतना होगा। तकरीबन 30 ट्रेन है जो इस तूफान से प्रभावित हो रही है। आकाश जी, बिल्कुल, किसानों के साथ आम लोगों के साथ यात्रियों पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि रेल लाइनों का भी काम चल रहा है, तो ऐसे में रेलवे ने भी अलर्ट किया है इसको लेकर, किसी भी तरीके से असुविधा ना हो इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं रेलवे द्वारा और यात्रियों के लिए भी निर्देश यहाँ पर निकाले गए हैं। वहीं राज्य शासन ने भी इसमें निर्देश जारी करते हुए ये कहा है कि किसानों के साथ ही जो है आवागमन में किसी तरीके से दिक्कत ना हो उसका भी ध्यान जो है वो प्रशासन रखे। जी चलिए, तो प्रशासन इसका भी ध्यान रखेगा और पानी को ले। एक और बात है, बड़े हैरत की बात यह है कि चूंकि 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए इस तरह से बारिश को लेकर ऐलान है, आकाश हम ये जानना चाह रहे हैं कि मौसम विभाग कब तक ये गारंटी दे रहा है कि स्थितियां छत्तीसगढ़ के लिहाज से सामान्य हो जाएंगी, क्योंकि आज लैंडफॉल अगर हो जाता है तो हवाओं की रफ्तार धीमी हो जाएगी और फिर बादलों की रवानगी भी हो जाएगी। हाँ, ये और बात है कि बार बार मौसम बदलेगा तो ये जो छत्तीसगढ़ के जिले हैं उनमें लोगों की तबीयत जरूर खराब होगी। आकाश जी बिल्कुल, इसमें गारंटी नहीं, संभावना ही जताई जा सकती है क्योंकि पूरी से जो 120 किलोमीटर 100 किलोमीटर से ज़्यादा की प्रति घंटे की रफ्तार से जो तूफान आएगा आते आते यहाँ पर थम सा जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि मौसम विज्ञानियों का कहना है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएँ चल सकती है, तूफान चलती है, वहीं हल्की से मध्यम बारिश चल सकती है। ज़्यादातर इसका असर जो है उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, ऐसा कि जैसे कि हमने पहले ही बताया कि 7 से 8 जिलों में इसका असर देखने को मिल सकता है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका आकाश इस तमाम जानकारी के लिए, और सहयोगी आकाश विस्तार से जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं छत्तीसगढ़ पर इसका क्या कुछ असर रहेगा। हालांकि छत्तीसगढ़ में जो असर रहेगा या जो 6-7 डिस्ट्रिक्ट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, वहां पर सिर्फ इसका असर बारिश को लेकर रहेगा, बादल को लेकर रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण जो ये तूफान होने वाला है, दाना जो चुनौतीपूर्ण होने वाला है, वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए है। हालांकि इसका जो असर और जो अलर्ट जारी किया गया है वो 6 राज्यों के लिए जारी किया गया, उसमें आंध्र प्रदेश है जो ज्यादातर कोस्टल एरिया है वो उसमें शामिल है। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए थे और विस्तार से वो जानकारी दे रहे थे किस तरह की स्थितियां हैं और तूफान क्यों ये जो तूफान है वो इतना ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। मैंने जैसे आपको बताया, सऊदी अरब ने इसे नाम दिया है दाना, और इसका अर्थ भले ही उदारता होता हो लेकिन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चलेंगी और जो लैंडफॉल होगा उस वक्त 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उससे ज़्यादा ही हो सकती, कम नहीं होगी, और उड़ीसा पर इसका सीधा असर पड़ेगा। हालांकि उड़ीसा वो स्टेट है जिसे यूनेस्को ने जिसको कोट किया है तूफान से लड़ने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।